इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चेस ट्रैप के बारे में बताने वाला हूँ जिसे खेल के आप अपने अपोनेंट का चेकमेट बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इस ट्रैप को आप तब खेलोगे जब आपके पास ब्लैक मोरे होंगे, और इस ट्रैप का नाम फिशिंग पोल ट्रैप है। जिस तरीके से मछली पकड़ने के लिए हम चारा डालते हैं, उसी तरीके से हम वाइट किंग को पकड़ने के लिए, वाइट किंग को चेकमेट करने के लिए अपने नाइट को चारा बनाएंगे। इस ट्रैप के सारे वेरिएशंस देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये ट्रैप आप ब्लैक पीसेस से खेलोगे और ये रॉयल लोपेज ओपनिंग में आता है। मैं आपको बता दूं कि रॉयल लोपेज ओपनिंग चेस की बहुत कॉमन ओपनिंग है, और अगर आप किसी भी अपोनेंट के साथ चेस खेल रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका अपोनेंट ये ओपनिंग चले। रॉयल लोपेज ओपनिंग में वाइट स्टार्ट करता है e4 अपने प्यादे को चलते हुए, और ब्लैक रिस्पॉन्स में e5 चलता है प्यादे को। वाइट अटैक करता है अपने नाइट से प्यादे को, और ब्लैक डिफेंड करता है अपने नाइट से। फिर सिंपली वाइट अपने बिशप को चलता है b5 पे, और रिस्पांस में ब्लैक अपने नाइट को चलता है f6 पे। सो ये बहुत ही कॉमन मूव्स है रॉयल लोपेज ओपनिंग के। उसके बाद जो सबसे कॉमन मूव है वाइट का है कैसलिंग करना। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो ब्लैक का घोड़ा है वो वाइट का प्यादा जो e4 पे है उस पे अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी वाइट ने कैसलिंग कर ली यहाँ पे। इसका सिंपल रीज़न ये है कि अगले मूव में अगर घोड़ा मार भी देता है प्यादे को तो कोई चिंता की बात नहीं है वाइट के लिए, क्योंकि वाइट अटैक कर सकता है अपने हाथी से, फिर घोड़े को वापस पीछे जाना पड़ेगा, फिर वाइट को वापस मिल जाएगा प्यादा, वो तो इक्वल है। तो वो कैसलिंग करना बेस्ट मूव था वहाँ पे। और जैसे ही वाइट यहाँ पे कैसल करेगा, आपको चलना है अपने घोड़े को g4 स्क्वायर में। यहाँ पे जो आपका घोड़ा है वो एक तरह से चारे की तरह है, और इसी के साथ यहाँ पे जो वाइट का किंग है वो एक तरह से मछली है जिसे हमें पकड़ना है। घोड़े को अपने इलाके में देख वाइट उसको भगाने की कोशिश करेगा और अपने प्यादे को h3 पे चलेगा, लेकिन हम अपने घोड़े को कहीं नहीं भगाएंगे और हम चलेंगे h5। और इसी मूव के साथ हम वाइट को इनविटेशन दे रहे हैं कि हमारे घोड़े को मारो। और अगर वाइट इसको पहली बार देख रहा है इस टाइप के मूव को, इस टाइप के ट्रैप को, तो वो ज़रूर खुश होगा, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो हमारे घोड़े को ज़रूर कैप्चर करेगा अपने प्यादे के साथ, और हम रिकैप्चर करेंगे अपने प्यादे के साथ। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो दो तीन चीज़ें हो रही है। सबसे पहली चीज़ ये हो रही है कि जो हमारा प्यादा है वो वाइट के घोड़े को अटैक कर रहा है, और दूसरी चीज़ ये हो रही है हमारा हाथी पूरा तरीके से खुला हो चुका है, और तीसरी चीज़ हमारी रानी तैयार है h4 स्क्वायर में आने के लिए, तो घोड़े को तो पीछे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम सीधा अपनी रानी को ले आएंगे h4 स्क्वायर में। तो यहाँ इसी के साथ वाइट का चेकमेट हो रहा है, और केवल जो ओनली मूव है इस चेकमेट बचने के लिए, थोड़ी स्पेस क्रिएट करने के लिए, थोड़ा रास्ता निकालने के लिए, वो है f4। और f4 के बाद भी हम सीधा चल देंगे g3, और g3 के बाद यहाँ पे कोई एस्केप ही नहीं बचा है वाइट के राजा के लिए। तो यहाँ पे चेकमेट होगा, वाइट कुछ भी चले, यहाँ से चेकमेट बचाना नामुमकिन है, तो सीधा चेकमेट हो जाएगा यहाँ पे। और मोस्ट नंबर ऑफ केसेस के अंदर वो हमारे नाइट को कैप्चर करेगा, लेकिन बाय चांस अगर वो कैप्चर नहीं करता है तो देखते हैं दूसरे वेरिएशंस की तरफ। लेट सपोज h5 चलने के बाद उसको शक हो गया है और वो हमारे घोड़े को कैप्चर नहीं करता है अपने प्यादे से, और वो दूसरे घोड़े को कैप्चर कर लेता है अपने ऊँट से, तो हम सिंपली रिकैप्चर कर लेंगे अपने पॉन से। और पॉन को रिकैप्चर करने के बाद लेट सपोज कि वाइट चलता है d4, तो हम अपने प्यादे से कैप्चर कर लेंगे। और यहाँ पे आप कुछ एक्सचेंजेस देखेंगे, समझ लो क्वीन कैप्चर करेगी पॉन को और हम कैप्चर करेंगे वापस, और वो रिकैप्चर करेगा अपने घोड़े से, तो हम अपने घोड़े को e5 स्क्वायर में प्लेस कर सकते हैं, और ये एक इक्वल गेम होगा। दोनों के पास इक्वल मटेरियल है, तो दोनों ही साइड अपने डेवलप कर सकते हैं पीसेज, और ये इक्वल पोजिशन है। तीसरे वेरिएशन के अंदर वाइट अपने घोड़े को c3 स्क्वायर में लाता है, और उसके रिस्पांस में हम अपने घोड़े को d4 स्क्वायर पे चलते हैं, और d4 स्क्वायर पे चलने के बाद प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसके घोड़े पे, तो वो कैप्चर करेगा हमारे घोड़े को d4 स्क्वायर पे। फिर हम अपने प्यादे से कैप्चर करेंगे उसका घोड़ा, और यहाँ पे उसका घोड़ा आगे नहीं आ सकता d5 स्क्वायर में, क्योंकि अगर वो आगे आएगा तो हम c6 चल सकते हैं, दोनों पीसेस ट्रैप हो रहे हैं, तो उसको पीछे ही चलना पड़ेगा, और हम उसके ऊँट को अटैक करेंगे a6 चल के, उसके ऊँट को पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम अपना हमारा जो पॉन है d4 स्क्वायर में उसे सेक्रीफाइस कर देंगे हमारा घोड़ा बचाते हुए। हम अपने घोड़े को e5 स्क्वायर पे ले आएंगे और वो कैप्चर करेगा अपने घोड़े से,
तो हम उसके घोड़े को अटैक करते हुए यहाँ पे c5 चलेंगे, और मोस्ट कॉमन मूव है यहाँ पे वो है अपने घोड़े को f3 स्क्वायर पे चलना, और यहाँ पे हम सिंपली कैप्चर कर देंगे उसका घोड़ा, और वो रिकैप्चर करेगा अपनी रानी से, क्योंकि अगर पॉन से करेगा तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, तो रानी से करना पड़ेगा कैप्चर। के बाद हम ऊँट को अटैक करते हुए यहाँ पे b5 चल देंगे, ऊँट पीछे चलेगा तो हम c4 चल देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइट का ऊँट है वो पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो चुका है, और ये एक विनिंग पोजिशन है ब्लैक के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इमॉर्टल वज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें।